कल सुबह से लेकर आज शाम तक मोटा मोटी 26 घंटा हो चुका है, 26 क्या मतलब 36 घंटा हो चुका है। उसके बाद जो है सफल वार्ता हो गया है और क्या कुछ सफल वार्ता हुआ है इन्हीं लोगों से जानेंगे जो भी कैसे इसके सक्रिय लोग हैं। सबसे पहले जोहार, सबसे पहले आपको जोहार, आपके चैनल को भी जोहार। क्या क्या मिला जो छोटेलाल जो मृतक थे उनके परिवार के परिजनों के लिए आप लोगों ने क्या क्या मांग रखे थे और क्या क्या पूरा हुआ? क्योंकि हम लोग को मांग रखे थे जो उचित था, जो नियम कानून में है वो मांगे, लेकिन वो हम लोग को मुआवजा नहीं। ऐसा लग रहा है जैसा कि इस जगह पर जो है धारा 144 लग चुका है, उस तरह से यहाँ पर प्रशासन लोग को यहाँ पर तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं यह छोटा सा मामला था, एक मुआवजा का शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है पूरे देश और राज्य में पूंजीपतियों का जो है राज चल रहा है। हमारा डिमांड है एकदम जेन्युइन है, आपके लिए वो 25 साल का सेवा देता है, आपके लिए क्या एक जेन्युइन राशि बनता है अपने तरफ से, बाकी TA और ESI, दिस इज द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज नॉट योर स्कीम, दिस इज द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी भी आज मृतक के साथ में न्याय नहीं मिल पाया है। आज मृतक के मृत हुए लगभग 36 घंटे बीत चुके हैं, अभी भी वार्ता जारी है। देख सकते हैं शासन प्रशासन के लोग के साथ में यहां जनप्रतिनिधि लोग हैं, कुछ नेता लोग हैं, उनके साथ में अभी भी वार्तालाप जारी है, अधिकारियों के साथ वार्तालाप जारी है। देख सकते हैं अभी उस जगह पर शव को रख कर अभी भी आंदोलन किया जा रहा है। लगभग बात बन चुकी है, वही 10 और 12 लाख का जो है बात में फंसा हुआ है। कंपनी 10 लाख देना चाह रही है और जो परिजन है उन लोगों का कहना है कि हम 12 से कम नहीं लेंगे, यानी 12 लाख का मुआवजा का मांग है परिजन द्वारा। तो अब देखना यह होगा कि ये 2 लाख का जो फासला है वो कब तक पूरा कर लिया जाएगा। इन जो भी वार्तालाप कर रहे हैं इन लोगों के बीच में देख सकते हैं इधर से 2 गाड़ी प्रशासन के लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसा कि इस जगह पर जो है धारा 144 लग चुका है, उस तरह से यहां पर प्रशासन लोग को यहां पर तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं यह छोटा सा मामला था, एक मुआवजा का शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है पूरे देश और राज्य में पूंजीपतियों का जो है राज चल रहा है। उनके एक फोन से जो है यहाँ 2 गाड़ी प्रशासन के लोग पहुँच जाते हैं यहाँ शांतिपूर्ण धरना में। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि एक भी पुलिस प्रशासन का यहाँ आवश्यकता नहीं था, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई जो है दुर्व्यवहार नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्ण मांग किया जा रहा था। तो यही कुछ है अभी तक का न्यूज़ दोस्तों, ये परसों की घटना है। कल जो है सुबह से ही यहाँ पर शव को रख कर 6 बजे से ही धरना प्रदर्शन किया जा रहा था मुआवजे की मांग को लेकर। और कल जो है बीत जाने के बाद, दिन भर रात भर बीत जाने के बाद आज देखिए शाम होने वाला है, 36 घंटा होने वाला है दोस्तों। तो अभी भी फरियाद जो है पूरा नहीं हो पाया है। तो दोस्तों अभी तक का यही अपडेट था, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय झारखंड, वंदे मातरम। भारत से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,40,000 रुपया आता है, आप सोच लीजिए 13 साल और वो काम करता है, 2,40,000 को आप जेन्युइनली उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो लगभग 31 लाख समथिंग आता है। और हर साल भाई सैलरी तो इंक्रीमेंट होता ही है, जो नॉर्म है कंपनी जैक्ट का या फिर जो सैलरी जैक्ट का जो नॉर्म है उसके तहत में आपको हर साल तो आप कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट करते होंगे, तो कहीं ना कहीं उसका मुआवजा लाखों में बनता है। और वो इंसान होता अपने फैमिली के लिए पूरा डिपेंडेंट था, वो एक सिंगल ब्रेड अर्नर था, छोटा बेटा आप उसको देख सकते हैं, उसकी बेटी को देख सकते हैं और उसके जो भी और 3 बेटियां हैं उन लोग को आप देख सकते हैं। और कोई घर में कोई कमाव सदस्य नहीं है और आपके साथ आपके कंपनी में 20 से 25 साल का सेवा देता है, तो आपका क्या दायित्व बनता है? एक तो ESIC स्कीम के तहत में इनकी जो वाइफ है जो पेंशन रेगुलेट होना चाहिए होगा वो मैंडेटरी है, वो तो होना ही है, आपने ESI करवाया होगा। PF स्कीम के तहत में PF का जो है PF का क्या अमाउंट आता है वो तो आपको डिस्पर्स करना ही है, वो तो एकदम है। उसके बाद में मृतक के आश्रितों को कंपनी पेरोल पे नौकरी, आखिर वो तो डिपेंडेंट है ना भाई, एक जो डिपेंडेंट है वो देना ही होगा, ये मेरा डिमांड में ही है।
और एक चीज बता दे रहे हैं, वो आपका एक विस्थापित है, नहीं नहीं वो देगा दी। और जो मृतक का जो बच्चा लोग है जो माइनर एज में है अप टू 18 इयर्स तक जो भी पढ़ाई का खर्चा होगा यू हैव टू पे इट, ओके। और ये कोई भी चीज हम लोग अगर बात कर रहे हैं नियम संगति कर रहे हैं, अगर आप ईएससी स्कीम की बात करते हैं उसके अंदर में एक तो होता है भाई आप बताए कि एक्सीडेंटल, और उसमें और एक केस जुड़ता है ओएसएच है ना, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोलते हैं, जिसमें कि स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी तरह का भी आपके कंपनी में कोई बीमार पड़ जा रहा है अचानक से, भाई चक्कर आ गया, गिर गया, बीपी हाई हो गया, दैट इज ऑल्सो इंक्लूसिव इन ईएसआईसी स्कीम। इफ यू डोंट नो द नॉर्म देन गो एंड स्टडी इट। तो ये चीज स्कीम उस पर भी कवर करता है, आप उस चीज पे इसको फोकस कीजिए, ठीक है। और जो हमारा डिमांड है एकदम जेन्युइन है, आपके लिए वो 25 साल का सेवा देता है, आपके लिए क्या एक जेन्युइन राशि बनता है अपने तरफ से। बाकी पीएल और ईएसआई दिस इज द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज नॉट योर स्कीम, दिस इज द स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड वो काम करता नहीं, बस बस तो आप सोच लीजिए, नो डाउट आने वाले रिटायरमेंट एज तक आप तो उसको पे करते ही, आप तो निकालते ही नहीं, वो आपके लिए काम कर रहा था, केमिकल लेब में काम कर रहा था बकायदा, वो क्या बोलते हैं उसको डस्ट वट एवर जो भी आपने सेफ्टी इक्विपमेंट में किस तरह का काम किया नहीं किया उस चीज पे मैं नहीं जाऊंगा। अगर वो आज किसी तरह से बीमार हुआ है तो आपको कम्प्लीटली सेवा देने के दौरान ही बीमार हुआ है, अगर उसको किसी तरह से भी हेल्थ इश्यूज का मेजर इशू क्रिएट हुआ तो इस जगह से ही हुआ है, ना कि घर में होता। अगर घर में उस टाइप का उसको फील होता तो वो कंपनी आता ही नहीं उस दिन में। एंड ऑन दैट डे ऑलरेडी क्या होता है ना, वो हाजिरी भी आपके यहाँ बनाता है, उसके बाद में भी आप लोग इस टाइप से उसके साथ में ट्रीट करते हैं, एज ए कंपनी का जो भी है सेफ्टी नॉर्म जो ओएसएच कवर करता है आपको इमीडिएट नियर बाय हॉस्पिटल सेंड करना था, इमीडिएट फैमिली को इन्फॉर्म करना था, यू पीपल डिड नॉट डू दिस, ओके। तो आप ये चीज देखिए, अपने लूपहोल्स को देखिए, और हमारा मांग एकदम जेन्युइन है और इस चीज पे फोकस कीजिए। आप एज ए मतलब आप जो भी बोलिए ह्यूमैनिटी बोलिए या इंसानियत बोलिए, आप तो कुछ भी सिक्योरिटी या फ्यूचर सेफ्टी प्लान तो करते होंगे ना, आपके कोई इम्प्लॉई है किसी तरह का कुछ भी है उसके लिए सेफ्टी या कुछ भी तो फ्यूचर सिक्योर हो पाए, किसी तरह का कुछ घटना बन जाए, ये स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपके तरफ से क्या मिलेगा ये हम लोग जेन्युइनली जो डिमांड क्रिएट किए हैं इस चीज पे फोकस कीजिए सर, और एक कंसीडरेबल टॉक हो, एक हैंडसम टॉक हो, परिजन को भी अछूता सा नहीं लगे कि भाई मेरे साथ में कुछ अन्याय हो रहा है, क्योंकि कंपनी के लिए लॉयल होके आपके साथ में 25 सालों का सेवा दिए हैं। बस अगर इफ यू आर ऑथराइज्ड एंड यू हैव पावर टू डिस्कस विद द अमाउंट देन गो फॉरवर्ड योर हायर अथॉरिटी, ओके, देन वी विल टॉक विद यू, दिस इज आवर डिमांड, आगे ऑथराइज कीजिए। हम लोग तब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे, कल सुबह से लेकर आज शाम तक मोटा मोटी 26 घंटा हो चुका है, 26 क्या मतलब 36 घंटा हो चुका है, उसके बाद जो है सफल वार्ता हो गया है, और क्या कुछ सफल वार्ता हुआ है इन्हीं लोगों से जानेंगे जो भी कैसे इसके सक्रिय लोग हैं। सबसे पहले जोहार, सबसे पहले आपको जोहार, आपके चैनल को भी जोहार। क्या क्या मिला जो छोटेलाल जो मृतक थे उनके परिवार के परिजनों के लिए आप लोगों ने क्या क्या मांग रखे थे और क्या क्या पूरा हुआ? क्योंकि हम लोग को मांग रखे थे जो उचित था, जो नियम कानून में है वो मांगे, लेकिन वो हम लोग को मुआवजा नहीं मिला, और 10 लाख बोले, और जितना मिलता है मंथली उसका 90% बोले, और बच्चा का जो नौकरी करते थे वो देने का बात की अभी लिखित दिए नहीं है। तो लिखित हो रहा है? हाँ लिखित हो रहा है, और लिखित हो गया, अब उन्हीं के साथ हम लोग सबका समर्थन हो गया तो उन्हीं के साथ हम लोग जा रहे हैं। यानी कि जो पेमेंट मिलता था छोटेलाल जी को उनका 90% जो है पेंशन के रूप में उनके पत्नी को मिलेगा, बीवी को मिलेगा। अच्छा, और एक नियोजन भी मिल रहा है, और जो उनके बच्चे थे उनका जो अभी माइनर बच्चे है 18 वर्ष से कम उम्र के जो है उनके पढ़ाई लिखाई का खर्च उसके बारे में कुछ उसके बारे में बोले तो बोले हम लोग इसका रिस्क नहीं लेंगे, वो नहीं। यानी कि साफ साफ यानी कि बोल सकते हैं 10 लाख हाथ साफ कर लिए, 10 लाख एक नियोजन और पेंशन बस। आप बोले बच्चा का जो उनके पिता करते थे वो देंगे, लिखित अभी नहीं दिए हैं। देखिए हम लोग कल से दिए हैं, रात भर धरना दिए, लेकिन अभी तक इसका मालिक इतना अड़ियल है, अभी तक हम लोग से मुलाकात नहीं किया कि हम लोग राक्षस दिखते हैं जो उनको खा जाते हैं। जब हम लोग के भाई बहन सब यहाँ काम करते हैं, भैया सब काम करते हैं, सब आते हैं, और उनका हम लोग इतना सहयोग कर रहे हैं, उतना हम लोग अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, उनके काम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो हम लोग के लिए उनका पास एक मिनट टाइम नहीं है। जो मर गए हैं छोटेलाल माँ, तो उनसे मिलने का भी लास्ट अंतिम में भी नहीं आया है। सोच सकते कितना अड़ियल मालिक है।
तो यहाँ और भी लोग हैं, सभी लोग से पूछते हैं कि क्या जो मुआवजा मिला 10 लाख उनसे ये लोग संतुष्ट है क्या? 10 लाख संतुष्ट है? देखिए हम लोग तो संतुष्ट नहीं है 10 लाख से, इसलिए कि जान के बदले पैसा का उसका कीमत लगाया नहीं जा सकता। लेकिन जो हो गया से हो गया, मृत आदमी तो जीवित कभी होगा नहीं। पैसा से सिर्फ उनका घर के जो है कंडीशन को कुछ सुधारा जा सकता है। अच्छा मुआवजा में क्या लगता है, बढ़ोतरी हो सकता था यदि और यहाँ पर धरना प्रदर्शन को कुछ समय के लिए और बढ़ाया जाता तो? नहीं, वैसा तो दूर दूर तक नजर नहीं आया, इसलिए 10 लाख में ही समझौता करना पड़ा। अच्छा 10 में ही फाइनल करना पड़ा। हाँ, आप लोगों ने तो पहले 15 लाख कहीं 20 लाख 21 लाख भी दिलाए थे, यहाँ ऐसा क्या आया कि ये भी प्लांट है वो भी प्लांट है? यहाँ मुख्य व्यक्ति इसलिए यहाँ इतना कम में मान गए कि जो जिस मजदूर का देहांत हुआ उस मजदूर का जितना पेमेंट था सैलरी मंथली, उसका 90% पेंशन के रूप में उनकी वाइफ को समझौता हुआ देने के लिए, प्लस में उनकी परिवार का ही एक सदस्य का नियोजन देने का बात हुआ, इसीलिए हम लोग इतना कम में मान गए। और मुआवजा मिलना चाहिए था, बढ़कर एकदम मिलना चाहिए, ये तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं, संविधान के आधार पर इनको अच्छा खासा मिलना चाहिए। मान लेते 20 साल काम करता तो 20 साल में जो एक पेमेंट होता वो मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो आप लोगों ने 35 लाख का मांग किया था, उसके अनुसार जो है 10 लाख का आप लोग का डिमांड पूरा किया है, और मिलना चाहिए था। हाँ, और मिलना चाहिए, लेकिन जैसा माहौल देख रहे हैं, जैसा मोमेंट देख रहे हैं, सारे तरफ से लोग दूर दूर से मेहमान लोग भी आए हैं, उन लोग भी परेशान हैं, बाल बच्चा छोड़ के आए हैं। इसी चलते क्या है कि हम लोग तो क्या जे बी केसेस की टीम अभी भी बता रहे हैं 4 दिन रहे, हम लोग 4 दिन रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन और जो मेहमान लोग आए हैं उन लोग तो रिश्ता निभाने आए हैं, उन लोग क्या है कि उन लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी चलते क्या है कि इनका घर परिवार सब एक समझौता किए, और घर परिवार तरफ से भी इनका ये आया कि पैसा ही देख रहे हैं हम लोग को, मान लिया इतना देर से परेशान, इस वजह से भी क्या है कि थोड़ा सा हम लोग को नर्वस होना पड़ा। ये तो हम लोग को जो बोले थे जो संविधान के आधार पर पुलिस प्रशासन भी माना था, कंपनी भी माना था कि जिस प्रकार से रविदा एक एक एक्ट का बात किए, एक एक संविधान का बात किए कि किस संविधान में कितना मिलना चाहिए, तो उसके आधार पर क्या है कि इस परिवार को बहुत कुछ मिलता, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं ये अपने कमजोर पर आज पड़ने के कारण क्या कि 10 लाख में ही लगभग समझौता करना पड़ा। तो देख सकते हैं अभी क्या क्या मांगे पूरा हुआ, आप लोग बताइएगा कमेंट करके क्या ये मुआवजा और बढ़ सकता था, और तो ये तमाम आप लोग कमेंट कीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में।